जमीयत उलमा नागपुर द्वारा एनपीआर, एनआरसी व सीए के कानून के विरोध में संविधान चौक पर बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। पूरे देश में बीते व करीबन डेढ़ दो महीनों से एनआरसी, एनपीआर और सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बुधवार को शहर के संविधान चौक पर जमीयत उलमा संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाए, इसलिए बड़ी मात्रा में लोग इस विरोध में शामिल हुए थे। इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए एनआरसी, एनपीआर और सीए का विरोध किया गया। इस दौरान लघु नाटिका का आयोजन भी किया गया, साथ ही देशभक्ति पर गानों को भी गाया गया। इस दौरान संविधान बचाओ, देश बचाओ के नारे भी दिए गए। दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन में एनपीआर, एनआरसी और सीए कानून को लागू किया जाए, इसलिए जमीयत उलमा संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग पूरी न होने पर तीव्र आंदोलन का इशारा भी दिया गया। पिछले कई महीनों से जो है देश में है एनपीआर, एनआरसी और कैग के संदर्भ में जो है मोर्चे निकाले जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी के मद्देनजर आज जो है नागपुर में संविधान चौक पर जमीयत उलमा की ओर से जो है एनपीआर, एनआरसी और कैग को लेकर धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ के जो मुख्य लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि आज उनने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है, क्या उनकी मांग है। ये धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं जमीयत उलमा की जानिब से, और ये हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो हमारी सरकार ने जो काला कानून सीए, एनआरसी के वसूल से जो लागू किया है, हम इसका बायकॉट करने के लिए कर रहे हैं। और हम इसका बायकॉट करते हैं क्योंकि ये धर्मों को, ये कानून जो है धर्मों को बांट रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारा देश धर्मों के नाम पे बटे, इसलिए हमें ये कानून मंजूर नहीं और हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। और ये धरना आज यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में जारी है, फिर भी हमारी हुकूमत को दिखाई नहीं दे रहा है। हम इस धरने से, इस पैगाम से हम ये बात अपनी पहुँचाना चाहते हैं कि जिस तरह वो हमारे गृह मंत्री ने कहा कि हम इसको एक इंच भी वापस नहीं लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, तो हम भी ये बता देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम वो एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, मगर हम उनको जड़ से भाग जाए भेजेंगे। हम उनको हटने की बात तो हम कर ही नहीं रहे, हमको इसको खत्म करना है। और इस धरने को हम लोगों से अपील करते हैं, पूरे हिंदुस्तानियों से, कि जो लोग इस धरने में शरीक है, अमन और सुकून भाईचारे के साथ, अमन के सुकून के साथ में इस धरने को कायम रखे और अपनी मांगों को मंजूर करा के ही दम लें। सीए का जो मतलब है ऐसा कहा गया है, सीए जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें ऐसा कहा गया है कि ये जो है कि किसी मुसलमान के लिए नहीं बना है, ये सभी लोगों के लिए बने हुआ कानून है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जब ये पूछे किसी मुसलमान, इसमें जाति का सवाल ही नहीं होता। पहली बात जो आसाम में उन्होंने जो किए है, आज आसाम में जो 15 लाख गैर मुस्लिम जो 15 लाख जो आज डिटेंशन कैंप में जो है वो क्यों है? वो इसलिए है कि उन्हें अपने कागजात पेश नहीं कर सके। और आज हमारे देश की गरीब जनता आज भी ऐसी है, 25% जो अपने डॉक्यूमेंट कागजात जिनके पास है ही नहीं, तो तुम ये कानून बताकर क्या बताना चाहते हो? अपने देशवासियों को ही परेशान कर रहे हो, चंद विदेशी लोगों के लिए देशवासियों को परेशान करना, ये कहाँ की इंसाफी है? दो दिन के धरना प्रदर्शन के बाद अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की क्या आपकी रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति ये रहेगी, अभी तो हम इनसे धरना कर रहे हैं, कल हम हो सकता है अगर ये ना माने, सरकार नहीं मानती है, तो हो सकता है कि हम इसके आंदोलन को और आगे बढ़ाकर, हो सकता है हम रास्ता जाम करें, हो सकता है हम और इस धरने को उग्र करें ये, मगर इसके लिए सरकार को चाहिए कि आज देश की जनता अगर इस तरह रोड पे है, आज शाहीन बाग एक भरी धंडी में हमारी बहनें बैठी है और ये उनका प्रवक्ता ये जो है वो उनका प्रवक्ता ये कहता है कि ये इनके बाप का रोड है जो रोड जाम करे। अरे भाई, तुम्हारे हमारे बाप का भी तुम्हारे बाप का है, ये तो हमारा हक है, एहतजाज करना हमारा हक है और हम करते रहेंगे जब तक हुकूमत इस कानून को वापस नहीं लेंगे, हम इंतजार करते रहेंगे। जमीयत उलमा की ओर से आज जो है एनपीआर, एनआरसी और सीए को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन, दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग पूरी न होने पर जो है उग्र आंदोलन का भी इशारा यहाँ दिया गया है। जमीयत उलमा की ओर से जो है आज आप देख पा रहे हो मेरे पीछे इतनी सारी जो भीड़ है, एनपीआर, एनआरसी और सीए के विरोध में जो है आज यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन में आप देख पा रहे हैं बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पे लोग जो है इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और विरोध प्रदर्शन को समर्थन देते हुए आप मेरे कैमरे से आप देख पा रहे हो कि
कितने लोगों ने इसमें सहभाग दर्शाया है और बड़ी मात्रा में यहाँ भीड़ हमें दिखाई दे रही है। करीबन 3 से 4 हज़ार की भीड़ यहाँ हमें दिखाई दे रही है और NRC, NPR और CAA को विरोध प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, NBC News, नागपुर।